हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरे व्यूवर ने ये रिक्वेस्ट भेजा कि सर बायोकेमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन कर दीजिए फ्रॉम 2015 से लेकर 2010 तक, बिकॉज 2015 के बाद यानी 2016 से लेकर 2020 तक का ऑलरेडी डिटेल में सॉल्यूशन कर दिया है बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर का, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग मेनली फोकस करेंगे गेट 2015 फ्रॉम एक्सेल लाइफ साइंसेस एंड बायोकेमिस्ट्री का, यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बायोकेमिस्ट्री में पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल मॉलिक्यूल इज ए प्रीरिक्विजिट फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहर से साइटोप्लाज्म से फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है जिसका नाम है कार्निटीन। ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेस टाइप 1 एंड टाइप 2 आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्निटीन। कार्निटिन के साथ में जब तक फैटी एसिड अटैच नहीं होगा तब तक वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अटैचमेंट टू द कार्निटिन इज ए रेट लिमिटिंग फैक्टर फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, आंसर विल बी सी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट फाउंड इन टी आर्म ऑफ एमाइनो एसाइल टी आर एन ए। तो एमाइनो एसाइल का 2D स्ट्रक्चर को हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, आप लोग को मालूम होगा, और इसमें पहला आर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, DHU, दूसरे एक वाले को TCC आर्म बोलते हैं, और इस वाले को एंटीकोडोन बोलते हैं, एंटीकोडोन आर्म, और इस वाले को एमाइनो एसाइल या एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट बोलते हैं। तो यहाँ पर TCC यानी टी आर्म के बारे में बोल रहा, तो यहाँ पर थाइमीन प्रेजेंट होता है या थाइमिडीन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड, और स्यूडो यूरासिल प्रेजेंट होता है जिसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइटोसिन या साइटिडीन ये प्रेजेंट होता है। तो क्या प्रेजेंट नहीं होगा, डाइहाइड्रोयूरेडीन नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट होता है डी आर्म में, डाइहाइड्रोयूरेडीन इसलिए नाम पड़ गया। तो नॉट पूछ रहा, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल प्रोड्यूस। तो इसका आंसर होगा 30 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि NADH का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 2.5 ATP बनता है, और FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये 1.5 ATP बनता है। तो इन सब को जब कैलकुलेट करेंगे और टोटल ATP भी बनता है, कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल, तो ये सबको जब कंबाइन कर देंगे तो टोटल आता है 32 ATP। लेकिन NADH जो दो NADH साइटोप्लाज्म में जो बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में इसको भेजा जाएगा तो वहाँ पर एक शटल काम करता है, उस शटल को कहते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, और ये एक NADH को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में पंप करने के लिए एक ATP लेता है। तो दो NADH को पंप करने के लिए 2 ATP लेगा, तो 2 ATP इस टोटल 32 में से माइनस होगा। होप सो ये समझा मैंने क्या एक्सप्लेन किया, तो ये 30 ATP आंसर विल बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोलोज 5-फॉस्फेट एपिमेरेज इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस। तो राइबोलोज 5-फॉस्फेट एपिमेरेज कन्वर्ट यूज़ होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में, जहाँ से राइबोलोज 5-फॉस्फेट जो कीटो फॉर्म है उसको अल्डिहाइड राइबोस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और ये राइबोस 5-फॉस्फेट इज शुगर प्रिकर्सर फॉर DNA RNA सिंथेसिस, आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोलाइटिक एंजाइम आर यूजुअली बायोसिंथेसाइज इन लार्ज एंड इनएक्टिव प्रिकर्सर नोन एज। तो जितने भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं लाइक ट्रिप्सिन, पेप्सिन, वो इनएक्टिव फॉर्म में पहले सिंथेसाइज होते हैं। जैसे ट्रिप्सिन होता है तो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में, तो इसका इनएक्टिव फॉर्म क्या है, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। उसी तरीके से पेप्सिनोजेन, तो इन सब इनएक्टिव प्रिकर्सर को बोलते हैं जाइमोजेन, क्योंकि ये
यूज होता है डाइजेस्टिव इंजाइम में। तो डाइजेस्टिव इंजाइम जितने भी होते हैं वो इनएक्टिव प्रिकर्सर में सिंथेसाइज होते हैं, उसको बोलते हैं जाइमो चेन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस आल्सो कॉल्ड ऑक्सीनियम आयन अकर। कार्बोकेटायंस यानी सी प्लस का फॉर्मेशन तब होता है जब हाइड्रोलिटिक इंजाइम या हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, यानी ब्रेक डाउन प्रोसेस। तो इन ब्रेक डाउन प्रोसेस में लाइसोजाइम जो हाइड्रोलेज इंजाइम है जो लाइसोजोम में रहता है वो ब्रेक डाउन प्रोसेस करता है, हाइड्रोलिसिस करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होगा। आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट इज लाइकली टू कॉज लार्ज चेंजेस इन प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड को चेंज कर दिया गया किसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड के साथ, जैसे आंसर इसका होगा फोर्थ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर यही एग्जाम्पल है, ग्लूटामेट जो है GLU क्या है, ग्लूटामेट जिसका साइड चेन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे साइड चेन में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एसिडिक अमीनो एसिड, लेकिन इसको आपने रिमूव कर दिया किससे, वैलिन से। तो वैलिन क्या है, नॉन पोलार। तो नॉन पोलार ये पोलार और नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर दिया नॉन पोलार से, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, इसलिए ये लार्जेस्ट चेंज होगा। इसके अलावा अगर ग्लूटामीन और टायरोसिन देखिए तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ग्लूटामीन जो होता है CONH2 है और टायरोसिन में भी OH है, यानी ये दोनों पोलार मॉलिक्यूल हैं। सेरीन और थेरियोनिन में साइड चेन में OH है, तो सेरीन को OH से रिप्लेस, थेरियोनिन से रिप्लेस किया, मेजर चेंजेस नहीं हुआ। होप सो ये क्लियर। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द लिपिड मॉइटी इन लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसका आंसर डायरेक्ट होगा स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जे और लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन होते क्या हैं, सपोज ये मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म वाला फेस है और ये आउटसाइड वाला है। तो यहाँ पर अटैचमेंट कराने के लिए एक लिपिड चाहिए और उससे ये क्या होंगे, अटैच प्रोटीन। उसी तरीके से बाहर से किसी से अटैच होंगे, तो ये जो प्रोटीन अटैच हैं वो लिपिड से अटैच हैं। और लिपिड यहाँ पर क्या हो सकता है, पाल्मिटिक एसिड हो सकता है, फर्निसिल ग्रुप हो सकता है, मेरिस्टिक एसिड हो सकता है, स्टेरिक एसिड नहीं होगा। तो आंसर नॉट पूछ रहा है, इसका आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोज सर्कुलर बी डीएनए ऑफ 4000 बेस पेयर इज नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड बाई इंट्रोडक्शन ऑफ 4 वृत्त। ये ध्यान देना, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग लिखा हुआ है। सुपर हेलिकल डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ओके। तो सुपर हेलिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, जो होता है डेल्टा लिंकिंग नंबर। डेल्टा लिंकिंग नंबर मतलब चेंज इन लिंकिंग नंबर डिवाइड बाय इनिशियल लिंकिंग नंबर एल के नॉट। पहले तो हम लोग देख ले कि एल के नॉट का इनिशियल लिंकिंग नंबर कितना होगा। तो लिंकिंग नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, 4000 जो टोटल नंबर ऑफ बेस है उसको डिवाइड कर दीजिए 10 से। 10 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न इज बेसिकली शोइंग द लिंकिंग नंबर। तो यहाँ पर 400 आ जाएगा टर्न, विच इज इनिशियल लिंकिंग नंबर। अब बोल रहा है यहाँ पर 4 क्या किया आपने, नेगेटिव विर्थ लगा दिया। नेगेटिव विर्थ का मतलब इससे 4 माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 396। ये फाइनल हो गया लिंकिंग नंबर फाइनल। तो इनिशियल लिंकिंग नंबर था 400 और फाइनल हो गया कितना, 396। तो डिफरेंस दोनों का कितना आया, 4 कितना, माइनस 4 क्योंकि नेगेटिव है। तो यहाँ पर ऊपर वाले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिंकिंग नंबर फाइनल माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल डिवाइड बाई लिंकिंग नंबर इनिशियल। तो ये लिंकिंग नंबर फाइनल कितना है, 396 माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल 400 डिवाइड बाई 400। तो ये वैल्यू कितना आएगा, माइनस 400। तो ये वैल्यू आएगा 0.01 नेगेटिव। इसका आंसर ये होगा, माइनस 0.01। होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस और GPCR दो तरह के सिग्नलिंग पाथवे पढ़ना है आपको गेट के बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में। तो पहले प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर टायरोसिन काइनेस है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ये भी टायरोसिन काइनेस है, मैक्रोफेज कॉलोनी स्म्यूटिंग फैक्टर टायरोसिन काइनेस ये भी टायरोसिन काइनेस है। तो ये तीनों टायरोसिन काइनेस है, ये टायरोसिन काइनेस नहीं है, ये है जैक स्टैट पाथवे। ये जैक स्टैट पाथवे को फॉलो करता है ना कि टायरोसिन काइनेस को। तो आंसर यहाँ नोट पूछ रहा है, डी होगा। अब आ रहे हैं हम लोग 11 to 20 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का कैरी करता है।
मैच द एंट्रीज इन कॉलम वन विद दोज ऑफ एंट्रीज टू. ओके, मैच करना है तो विटामिन बी वन, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. विटामिन बी वन थायमिन से आता है, थायमिन इसका कोफैक्टर है. कार्बोक्सी पेप्टिडेज के लिए जेड एन टू प्लस चाहिए. टी सी ए साइकिल एंजाइम यहाँ पर एकोटीनेज इन्वॉल्व है. प्रोड्यूसिंग शुगर यहाँ पर लैक्टोज है. मैच कर लीजिए. पी का फर्स्ट, क्यू का फोर्थ, पी का फर्स्ट, क्यू का फोर्थ, आर का टू एंड एस का सिक्स, फर्स्ट ऑप्शन. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये टेबल दिया गया है, इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर प्रोटीन. ओके, ये फोर प्रोटीन है. नेटिव मॉलिकुलर वेट है, पी आई वैल्यू और टाइप है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द ऑर्डर ऑफ एल्यूशन ऑफ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ एसडीएस. ठीक है, तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? जहाँ पर हम लोग बीड लगाते हैं और वो बीड इंजीनियर्ड बीड होता है जिसके साइज पोर्स अलग अलग. तो ये बीड लगा दिया. अब यहाँ पर जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो इस बीट के अंदर नहीं जाएगा. बड़ा मॉलिक्यूल इस शॉर्टकट पाथवे लेकर सबसे पहले यहाँ पर एल्यूट होगा, यही समझना है. तो जो फर्स्ट एल्यूट हुआ वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होगा, मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन. और जो सबसे लास्ट में आएगा वो लास्ट वाला स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होगा, क्योंकि वो इस वाले बीट के अंदर जाकर जिग जैग पाथवे लेकर लॉन्गेस्ट रूट लेकर सबसे लास्ट. तो समझ में आ गया कि सबसे पहले आएगा लार्ज वाला. तो सबसे देख लेते हैं, ये नेटिव मॉलिकुलर वेट है तो सबसे बड़ा कौन है? 45. तो ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा? सेकेंड में ये आएगा, उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा, और सबसे लास्ट में ये वाला. तो आंसर होगा एस क्यू पी एंड आर. एस क्यू पी एंड आर यानी ए या बी में, डी में से कोई एक ऑप्शन होगा. अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का देख लेते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी. इंक्रीजिंग ऑर्डर मोबिलिटी का मतलब है कि आपने जब जेल पे रोट किया सैंपल, तो ये जो बैंड फॉर्म करता है, ये बैंड जो फॉर्म कर रहा है, ये बैंड जो सबसे क्लोज आएगा वो लो मोबिलिटी होगा. क्योंकि सबसे मोबिलिटी का मतलब क्या? मूवमेंट, मोबाइल, लो मूवमेंट. और जो सबसे डिस्टेंस पे किया वो हाई मोबिलिटी. तो सबसे हाई डिस्टेंस, सबसे जो लॉन्ग डिस्टेंस पे किया हाई मोबिलिटी, उसका मॉलिकुलर वेट छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए उस प्रोटीन का. तो ये स्मॉलेस्ट होगा मॉलिकुलर वेट, और ये सबसे हाईएस्ट मॉलिकुलर वेट होगा. ओके, अब देख लेते हैं. अब दूसरी चीज़ यहाँ देखना है सॉरी, कि यहाँ पर ये मोनोमर बोल रहा और ये होमोडाइमर है. ये मोनोमर, ये हेटरोट्राइमर है. यानी ये मॉलिकुलर वेट, ये प्रोटीन जो एस है वो तीन होमोडाइमर से बना हुआ. और जब एसडीएस पेज करेंगे तो होमोडाइमर मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एसडीएस पेज जितने भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनको ब्रेक कर देता है. और ज़्यादातर जो सब यूनिट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में वीक इंट्रैक्शन करते हैं, जो एसडीएस डालने पर क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, तो ये अलग अलग हो जाएगा. तो अब हम लोग को सीधा यहाँ तीन से डिवाइड कर देना, क्योंकि होमोट्राइमर. तो इसका एक्चुअल में जब एस डी एस पेज करेंगे तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना आएगा? 15 kDa, क्योंकि 15 किलो डाल्टन. ठीक है, तीन से डिवाइड कर देंगे क्योंकि तीनों होमो है. तो तीन सब यूनिट क्या होगा? वो एक सब यूनिट की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि सब अलग अलग हो जाएंगे. और तीनों का आइडेंटिकल मॉलिकुलर वेट है, तो ये एक जगह बैंड बनाएंगे. ये मोनोमर है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. ये फिर डाइमर है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 20 किलो डाल्टन. तो अब बस अरेंज कर लेना है. ये 15 है, ये 25 है, ये 20 है, और ये 32 है. तो सबसे हेवी कौन सा हो गया? पी, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा. तो सबसे पहले हेवी लिखूँगा, पी हो गया 32. उसके बाद कौन सा आ गया? उसके बाद आ गया 25, उसके बाद में आर, उसके बाद में 25 के बाद में है 20 यानी Q, और सबसे लास्ट में 15 S. तो ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो P R Q S यहाँ पर ये नहीं है. तो आंसर ये होगा डी ऑप्शन. होप सो ये क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्टेड मॉलिकुलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ 280 नैनोमीटर फॉर पेप्टाइड. दिस इज द पेप्टाइड सीक्वेंस और इसका मॉलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट पूछ रहा है. फेनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन का इंडिविजुअली दिया हुआ है. तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे फेनाइल एलानिन का कितना नंबर है. तो फेनाइल एलानिन को F से रिप्रेजेंट करते हो, तो F कितने हैं? 1, 2, 3, उसके बाद 4, ये 4 है.
तो 4 × 200 यानी 800 हो गया फिनाइल एलानिन, क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए दिया है तो यहाँ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ट्रिप्टोफैन का कितना है, तो ट्रिप्टोफैन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, तो यहाँ W कितने हैं देख लीजिए, एक ये है, एक ये दो, दो है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5600 यानी ये आ जाएगा 11200। और सबसे लास्ट वाला हम लोग क्या देखेंगे, टायरोसिन, टायरोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं Y से, तो Y कहाँ पर है देख लीजिए कितना Y है, तो काउंट कर लेते हैं ये 1, 2 और 1, 3, 3 Y है तो 3 Y है, तो यहाँ पर 3 × Y के वैल्यू कितना है 1400 यानी ट्रिप्टोफैन का 1400, तो इसको 1400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 4200। अब इस तीनों को ऐड कर दीजिए, ये तीनों को वही आंसर होगा, तो 4200, 11200 और 800, तो ये आंसर आएगा 16200। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मैच द कंटेंट ऑफ कॉलम 1 विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम 2। कॉम्प्लीमेंट जो है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सी कॉम्प्लीमेंट C1Q चाहिए Fc रीजन फॉर एंटीबॉडी फॉर एक्टिवेशन, तो P3 यहाँ और यहाँ, या तो A या तो C होगा। उसके बाद L सेलेक्टिन चाहिए यहाँ पर CD34, तो ये Q1 यानी ऑप्शन 3 होगा। और देख लेते हैं मेम्ब्रेन नॉट एक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर चाहिए कॉम्प्लीमेंट 5P, ये सही है। और टी हेल्पर सेल को चाहिए CD40L, यानी आंसर होगा R2, ये वाला सी ऑप्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट 37 डिग्री फॉर मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर Ca2+ इज 1 mmol टू साइटोसोल वेयर कैल्शियम आयन इज 0.1 μmol एट -50 मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ओके। तो डेल्टा जी का यहाँ पे फॉर्मूला होगा 2.303 RT लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन आउट विच इज प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म विद कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आउट का मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस N × E विच इज ई सेल इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट, ये होगा फॉर्मूला। तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर 2.303, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट तो 8.314, टेम्परेचर यहाँ 37 लिख रहा तो 273+37 विच इज 310। मैं लॉग कैल्शियम का साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो ये साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 μmol, तो इसको 10⁻³ से करेंगे तो ये मिलीमोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 mmol प्लस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 2, किसके केस में कैल्शियम, क्योंकि 2 है यहाँ पर तो यहाँ भी 2 होगा मल्टीप्लाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इंटू ई सेल, ई सेल कितना यहाँ दिया हुआ -50 mV, ये वोल्ट में आ गया। और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ 9650, ये पहले इस जगह पर भी हम लोग एन आर टी यानी एन से मल्टीप्लाई करेंगे यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो यस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए आंसर आ जाएगा इसका। तो डेल्टा जी की वैल्यू ये पूरा का पूरा कर लेते हैं अभी कैलकुलेशन, 2.303 × 2 × 8.314 × 310 × 4 474 474 84.91 माइनस होगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आएगा 96500 × 10, ठीक है, और ये डिवाइड होगा 1000 से तो ये वैल्यू आएगा 96965। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे अकॉर्डिंग 47484.91 − 965, मेरा आंसर आ रहा 46519.91, ये जूल पर मोल में आ रहा है, तो इसको किलो जूल में करना है क्योंकि आंसर यहाँ क्या पूछ रहा है किलो जूल पर मोल में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो ये वैल्यू आएगा 46.519। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है 46.52 किलो जूल पर मोल। होप सो ये क्लियर है कैसे कैलकुलेट किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर।
यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है और पेप्टाइड बॉन्ड में फाई और साई की वैल्यू रामचंद्रन प्लॉट में हम लोग ने देखा हुआ है। तो सी अल्फा सी की वैल्यू को हम लोग कहते हैं साई, PSI। इसको रिप्रेजेंटेशन क्या है साई का, ये वैल्यू। और सी अल्फा एन की वैल्यू क्या होती है फाई, इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फाई। तो एक तो सी अल्फा सी है, यानी ये वाला डब्ल्यू जो है वो बेसिकली है क्या साई, और एन सी ये एक्स जो है वो क्या है फाई। तो एक तो डब्ल्यू और एक्स मालूम चलो, तो डब्ल्यू को हम लोग को मैच कराना है किससे, डब्ल्यू की वैल्यू है साई, तो ये है फर्स्ट वन। और उसके बाद में एक्स की वैल्यू है फाई, तो ये है फर्स्ट, तो डब्ल्यू फर्स्ट और थर्ड, तो यानी बी या सी में से हो सकता है। अब यहाँ पर ये बाइंड करना है कि वाई और जेड क्या है। तो वाई क्या है, वाई तो पेप्टाइड बॉन्ड के बन रहा है, ये बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड रोटेट कर रहा है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के रोटेशन को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा यानी वाई किसके लिए जाएगा, वाई जाएगा ओमेगा के लिए फोर्थ, ये तो बी ऑप्शन होगा। और जेड जो होता है, जेड ये है जो साइड चेन के साथ अटैच है, वो रोटेट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं काई। काई को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, तो ये हो गया काई, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर इनकरेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में बोल रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन एच बी डिमोस्ट्रेट हाइयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कंपेयर टू मायोग्लोबिन। यस, ये टू स्टेटमेंट है। मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन का ज़्यादा होता है क्योंकि ये सिग्मॉइडल कर्व शो करते हैं और मल्टीमेरिक प्रोटीन है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। फॉल्स पूछ रहा है, देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन फोर सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैंने पहले ही बताया कि जितने भी सब यूनिट होते हैं वो आपस में वीक इंटरेक्शन फॉर्म करते हैं, नॉट कोवेलेंट इंटरेक्शन। कोवेलेंट इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड आर ड्यूरिंग डी ऑक्सीजनेशन द लॉस ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन प्रमोट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब यूनिट। ये ट्रू है, तभी तो सिग्मॉइडल और कॉपरेटिविटी होता है, कॉपरेशन होता है उनके बीच में। तो फर्स्ट और थर्ड ट्रू है, सेकेंड रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग पूछ रहा, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या है कि ए 1.2 किलो बेस डीएनए फ्रेगमेंट वाज यूज्ड एज ए टेम्पलेट फॉर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन यूजिंग प्राइमर P1 P2 P3 P4 एस वन इन दिस स्कीम। ओके, द एनिलिंग पोजिशन ऑफ द प्राइमर ऑन द टेम्पलेट आर इंडिकेटेड बाई द नंबर। ओके, ये नंबर शो कर रहा है कहाँ से एम्प्लीफाई करेगा। ओके, प्राइमर P2 एंड P3 कंटेंस ए सिंगल मिसमैच इंडिकेटेड बाई द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल से मिसमैच शो कर रहा है। ओके, तो PCR वॉज एम्प्लीफाइड यूजिंग प्राइमर P1 एंड P3। तो पहला P1 और P3 से एम्प्लीफाई किया गया। ओके, तो ये एक प्रोडक्ट बना इन वन वायल एंड P2 एंड P4 विथ अनदर वायल। तो दूसरा वायल में ये बना P2 और P4, और उसके बाद दोनों वायल को मिक्स कर दिया गया एंड देन सब्जेक्टेड टू PCR विद द प्राइमर P1 एंड P4। द PCR प्रोडक्ट विल क्रॉस्पॉन्ड टू, उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया गया और फाइनली जो प्राइमर यूज़ किया गया वो P1 और P4 है। तो ये क्या करेगा, इनको एम्प्लीफाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या ऑप्शन है, क्रॉस्पॉन्ड टू 1.2 किलो बेस वाइल्ड टाइप DNA। 1.2 किलो बेस होगा क्या, हाँ ठीक है, टोटल साइज 1.2 किलो बेस है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा 1 से 1.2 किलो बेस तक जाएगा, सही है, विथ 2 पॉइंट म्यूटेशन। यस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इनिशियली इन टेम्पलेट्स में हम लोगों ने P2 और P3 जब अलग अलग वायल में यूज़ किया था, तो इस प्राइमर के चलते ऑलरेडी टेम्पलेट में ये इंसर्ट हो चुका है। क्या ये मिसमैच चेंजेस म्यूटेशन जो फाइनली P1 और P4 के एम्प्लीफिकेशन में भी दिखेगा, तो आंसर होगा P ऑप्शन। ऑप्शन ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, द सेल सस्पेंशन वॉज सब्जेक्टेड टू मेम्ब्रेन डिसरप्शन फॉलोइंग द डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन टू फ्रैक्शनेट द सेलुलर कंपोनेंट। मैच द सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन ऑफ कॉलम 1 एप्रोप्रिएट सबसेलुलर कंपोनेंट विद 2000 G फॉर 10 मिनट पर सबसे बड़ा न्यूक्लियस ये सेपरेट होता है। 20,000 G फॉर 30 मिनट पर सेपरेट होगा लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम। 80,000 G 1 आवर पर सेपरेट होता है माइक्रोसोम्स और स्मॉल वेसिकल्स। और 1,50,000 फॉर 3 आवर में सबसे छोटे होंगे राइबोसोम। तो आंसर होगा P का थर्ड, Q का फोर्थ, R का फर्स्ट एंड S का सेकेंड। आंसर A इज करेक्ट।
अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं। गिवन बिलो आर द मैप ऑफ 1200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए इंसर्ट इन 3000 बेस पेयर एक्सप्रेशन वेक्टर द बैम H1 एंड H3 रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द डीएनए लाइन बिटवीन इंडिकेटेड। ओके इंसर्टेड विद द बैम H1 डिजायर्ड ओरिएंटेशन आफ्टर क्लोनिंग द इंसर्ट वेयर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड वुड कंप्लीटली डाइजेस्टेड विद द एक्सोसोम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके यहां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक डीएनए सीक्वेंस है और इस डीएनए सीक्वेंस को क्लोन करना है यहाँ बैम साइट पर। तो इस पर ऑलरेडी 5' to 3' पे डायरेक्शन में बैम और H1 का कटिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट दिया हुआ और 300 पर है, फिर 200 पर है ये साइट दिया हुआ। तो जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो फाइनली ये जब हम लोग हिंड से डाइजेस्ट करेंगे और उसके बाद रन करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तो यहाँ पर बैंड पैटर्न कैसा बनेगा। ओके तो देखिए यहाँ पर कैसा होगा, ये वेक्टर है तो वेक्टर को हम लोग पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये वेक्टर है, ये बैम से कट किया गया तो बैम यहाँ पर हिंड यहाँ पर, ये बैम का साइट आ गया, बैम से कट कर दिया, ओपन हो गया और इस जगह पर मैंने क्या इंसर्ट किया ये। तो जब ये इंसर्ट करेगा तो ये डीएनए को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये राइट ओरिएंटेशन है 5' to 3', तो ये बैम यहाँ पर भी है, यहाँ पर हो गया ये H, फिर उसके बाद अनदर H और उसके बाद ये बैम। तो अब साइज लिख लेता हूँ, ये S से बैम का साइज कितना है यहाँ तक का 300 और ये बैम से H1 का साइज कितना है यहाँ से यहाँ तक का 300, ये H से H यानी हिंड से कितना साइज है 200 का और ये S से बैम का कितना साइज है 700 का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज कितना है 3000 - 300। तो 3000 - 300 यानी 2700 कितना का 2700 पेस पे। बस क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हिंड से कट करना है, सिर्फ हिंड से, यहाँ लिखा हुआ है हिंड से डाइजेस्ट करना है। एक कट यहाँ लगेगा, दूसरा कट यहाँ लगेगा, तीसरा कट यहाँ लगेगा, बस यही थी। तो एक फ्रेगमेंट ये बनेगा, दूसरा फ्रेगमेंट ये बनेगा और तीसरा फ्रेगमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, बस वही आंसर होगा। तो पहला फ्रेगमेंट कितना हो गया 3, ये यहाँ से यहाँ तक है, इस वाले साइज का कितना साइज हो गया 3 + 3 = 600। तो पहला जो हो गया 600 का होगा। फिर दूसरा ये वाला है डिस्टेंस 200, ये 200 का, और थर्ड ये 700 + 2700, थर्ड जो बनेगा वो 700, ये 700 और ये 2700 को, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड होने के बाद में कितना रहेगा 7 × 14 = 3400 का। तीन बैंड बनेगा यानी एक बनेगा 600 का, दूसरा 200 का और तीसरा 3400 का। तो आप देख लेते हैं बैंड पैटर्न, तो ये पहला शो कर रहा है 200 का, 250 से नीचे है 200, ये दूसरा वाला 500 से ऊपर है यानी ये होगा 600 और ये 3000 से ऊपर है 4000 से नीचे यानी कि ये दोनों का इंटरमीडिएट होगा यानी 3400। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट, बाकी कोई भी और इस तरह का बैंड पैटर्न शो नहीं कर रहा। तो इसी के साथ में मैंने 2015 गेट लाइफ साइंसेस के बायोकेमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ बेल आइकन बना होगा उस बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।